हिंदी वार्ता में आज की कहानी का शीर्षक है चार दोस्त। एक गांव में चार ब्राह्मण रहते थे जो बचपन से एक साथ बड़े हुए थे। उनमें से तीन पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे, वो हमेशा पढ़ाई लिखाई में मन लगाए रखते थे, लेकिन चौथा मित्र जो था वो बिल्कुल भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। एक दिन तीनों मित्र इकट्ठा हुए, उनमें से एक बोला, क्यों ना हम शहर जाकर अपनी किस्मत को आजमाएं। जो कुछ ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसका फल हमें गांव में नहीं मिल सकता। तभी दूसरा मित्र कहता है, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम अपने चौथे मित्र बिरजू को साथ लेकर नहीं जाएंगे, वह तो एकदम गवार है, वह हम पर बोझ बनकर रहे। तभी तीसरा मित्र कहता है, यह बात तो ठीक है, उसे कुछ आता नहीं है, लेकिन हमारा बचपन साथ में भी था, हम उसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते, चाहे जो भी हो उसे साथ लेकर चलते हैं, हम जो भी कमाएंगे उसमें से थोड़ा बहुत धन उसे भी दे देंगे। पहला मित्र कहता है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसे कहते हुए वे चारों शहर की ओर चल दिए। शहर का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। चारों जंगल के भीतर कुछ दूर तक पहुंचे कि अचानक उन्हें एक हड्डियों का ढांचा दिखाई दिया। उनमें से एक मित्र ने कहा, होना हो यह हड्डियों का ढांचा किसी बफर शेर का लगता है। दूसरे के दिमाग में तभी एक तरकीब आती है, वह कहता है, क्यों ना हम अपने ज्ञान की परीक्षा यहीं पर कर ले, मैं इन हड्डियों को इकट्ठा करके कंकाल का रूप दे सकता हूँ। तभी पहला मित्र कहता है, अगर तुम कंकाल खड़ा कर सकते हो तो मैं इसमें त्वचा और मांसपेशियां भर सकता हूँ। तीसरे मित्र ने कहा, मैं इसमें जान डाल सकता हूँ। चौथा मित्र जो कि अनपढ़ था वह एकदम चुप रहा। उसने सोचा, अगर ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, वह शेर जिंदा होकर सभी को खा जाएगा। उसने इन लोगों को ऐसा करने से मना किया, लेकिन वे नहीं माने और उनमें से एक ने हड्डियों का ढांचा खड़ा कर दिया। दूसरे ने उसमें त्वचा भरी और तीसरे ने उसमें जान डाल दी। शेर जिंदा होता इससे पहले ही चौथा मित्र पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही शेर जिंदा हुआ उसने वह तीनों पढ़े लिखे मित्रों को खा लिया और वह चौथा मित्र जो कि अनपढ़ था वह बच गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कोई भी कार्य बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए और हमें अपने ज्ञान का उपयोग सही जगह पर करना चाहिए। अगर आपको हमारी हिंदी वार्ता की कहानियाँ पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करें हमारे हिंदी वार्ता की यूट्यूब चैनल को, लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें।